नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देखो, अब तक हमने कश्मीर के बारे में आज़ादी से पहले की सारी बातें पढ़ ली हैं और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज़ादी के बाद जो कश्मीर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हुई। तो देखो, सबसे पहले जब हम आज़ाद हुए तो कश्मीर को एक स्पेशल दर्जा दिया गया था और उसे रखा गया था आर्टिकल 370 में। आर्टिकल 370 में क्या है? आर्टिकल 370 में ये कहा गया है कि जो जम्मू कश्मीर है उसको आंतरिक स्वायत्ता दी जाएगी, यानी कि इंटरनल जो है उसे अपने मामलों में छूट होगी कि वो अपने तरीके से काम कर सकता है। दूसरा आर्टिकल और जोड़ा गया था जिसका नाम है आर्टिकल 35A। इसमें यह कहा गया था कि कोई भी बाहर का आदमी जम्मू कश्मीर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। तो ये दो स्पेशल कुछ बातें थी जम्मू कश्मीर के बारे में जो कि आज़ादी के टाइम जम्मू कश्मीर को मिली थी। आइए अब जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। हम सभी को पता है कि राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, राजा हरि सिंह के खिलाफ ही एक आंदोलन चल रहा था जम्मू कश्मीर में, जिसके मेन लीडर थे शेख अब्दुल्ला। अब शेख अब्दुल्ला ने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजा के खिलाफ क्या किया, एक आंदोलन छेड़ दिया। और जब ये लड़ाई हुई जिसमें कि पाकिस्तानियों का अटैक हुआ था कश्मीर पे, तो उस टाइम पे शेख अब्दुल्ला ने भी बढ़ चढ़कर जो है उनका विरोध किया था। इंडियन आर्मी जब वहाँ पे गई थी तो इंडियन आर्मी का स्वागत किया था। तो शेख अब्दुल्ला एक मुस्लिम नेता थे जम्मू कश्मीर के, जो कि राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। और जब ये आंदोलन चल रहा था शेख अब्दुल्ला का, इसी बीच कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, अब हम आज़ाद हो चुके थे, कश्मीर हमारा हिस्सा बन चुका था, लड़ाई जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, तो अब हमें कश्मीर को थोड़ा सा समझना होगा कि वहाँ पे अलग अलग थिंकिंग के लोग क्यों हैं, क्योंकि कुछ लोग तो वहाँ पे चाहते हैं कि कश्मीर को भारत में मिलाया जाए, कुछ चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो अलग होना चाहिए। तो ये थिंकिंग वहाँ पे आज भी मौजूद है, वैसे थिंकिंग वाले लोग। और जो लोग ये चाहते हैं कि कश्मीर को अलग किया जाए, वही वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं करते हैं, वही पत्थरबाजी करते हैं। ठीक है, तो आज हम यही समझेंगे कि इन चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई। देखो, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में दो विचारधारा के लोग हैं, यानी कि दो थिंकिंग वाले लोग हैं। पहली थिंकिंग वाले लोगों का कहना है कि धारा 370 को, यानी जो आर्टिकल 370 है, उसको पूरे तरीके से कश्मीर से हटा देना चाहिए और जो सरकार है उसको पूरा कंट्रोल कश्मीर पे कर लेना चाहिए। दूसरी विचारधारा वाले लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि धारा 370 को और अधिक अच्छे तरीके से लागू करना चाहिए और जो यहाँ पे हमें कम स्वायत्ता दी गई है, यानी कि कम जो है छूट दी गई है इंटरनल चीज़ों में, वो और ज़्यादा बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारी आज़ादी बढ़ सके। ये बात इसीलिए कहते हैं ये लोग क्योंकि जब भारत में कश्मीर को मिलाया गया था उस टाइम पे गवर्नमेंट का ये वादा था कि कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्ता दी जाएगी, वो अपने इंटरनल मैटर्स में क्या होगा, फ्री होगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, जो ये वायदा किया गया था ना फ्री करने का, और आर्टिकल 370 भी जोड़ा गया था। इस वजह से जो लोग हैं उनके मन में आज भी ये फीलिंग है कुछ लोगों के कि कश्मीर को और ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए, और इसी बात को लेकर वो लड़ रहे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ लोग तो कश्मीर को भारत से अलग भी करना चाहते हैं। अब देखो, कश्मीरियों की तीन मेन मांगे हैं। पहली मांग है उनकी कि जनमत संग्रह कराया जाए। इंग्लिश में जनमत संग्रह को बोलते हैं रेफरेंडम। तो रेफरेंडम का मतलब है कि वहाँ पे वोटिंग कराई जाए कि कश्मीर के कितने लोग चाहते हैं कि वो भारत में मिले और कितने चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाएं। तो ये वायदा चाहते हैं कश्मीर के लोग। मैं सिर्फ उन लोगों की बता रहा हूँ जो जो अभी भारत सरकार के खिलाफ हैं या भारत से अलग होना चाहते हैं। तो उनकी ये मांग है। पहली मांग क्या है कि यहाँ पे रेफरेंडम होना चाहिए। दूसरी मांग है उन्हें और ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, और ज़्यादा आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए, लोकतंत्र जो है उसे मजबूत करना चाहिए। तो तीन मांगे हैं यहाँ पे। पहली क्या, रेफरेंडम होना चाहिए। दूसरी, ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। तीसरी, बाकी एरिया में जैसे डेमोक्रेसी है वैसी वहाँ पर होनी चाहिए। अब देखो आपकी 1948 के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति कैसी रही। जैसे ही हम आज़ाद हुए, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया एक युद्ध के बाद, तो जम्मू कश्मीर जब भारत में मिला उसके बाद शेख अब्दुल्ला जो हैं वो राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, और उनका आंदोलन सफल भी हुआ। राजा कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर हट गए थे, सिर्फ नाम नाम के राजा रह गए थे। अब जो मेन लीडर है वो चला वहाँ पर डेमोक्रेसी के हिसाब से।
1948 में जो शेख अब्दुल्ला हैं वो पीएम बने और उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ पे शासन करना शुरू कर दिया। पीएम का मतलब जम्मू कश्मीर के पीएम, यानी कि जैसे और स्टेट में मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पे वो लोग मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोलते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला जो है वो अपने हिसाब से वहाँ पे काम करने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट किया था राजा के खिलाफ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, राजा को हटाओ, शेख अब्दुल्ला बन गया, कोई समस्या नहीं है गवर्नमेंट को। पर अब शेख अब्दुल्ला जो है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा आज़ाद मानते थे, वो बिल्कुल भी इंडिया के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते थे। तो जो है उनकी जो है विचारधारा नहीं मिल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट में नेहरू थे, वो चाहते थे कि कश्मीर पर ज़्यादा कंट्रोल बनाया जाए, क्योंकि अगर शेख अब्दुल्ला को ज़्यादा फ्री छोड़ दिया तो वो और भी ज़्यादा जो ये बातें हैं इंडिपेंडेंट होने की ये बढ़ सकती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार बार बार इंटरफेयर करती रहती थी शेख अब्दुल्ला के काम में। तो शेख अब्दुल्ला 1948 में मुख्यमंत्री तो बने पर उन्हें काम करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि केंद्र सरकार जो है इंटरफेयर कर रही थी बार बार। उसके बाद इतने ज़्यादा इनके मतभेद बढ़ गए कि कुछ ही साल के अंदर 1953 में जो शेख अब्दुल्ला है इनको मुख्यमंत्री की पोस्ट से हटाकर इन्हें कैद कर लिया, यानी गवर्नमेंट ने क्या करा, इन्हें जेल में डाल दिया, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहे थे, अपने हिसाब से रूल चला रहे थे कश्मीर में। अब इन्हें कैद कर लिया गया तो इससे जो इनके सपोर्टर हैं पूरे कश्मीर में वो विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने विरोध किया। इसी तरीके से शुरुआत हुई है वहाँ पे विरोध की सरकार के खिलाफ। 1953 से 1974 तक, इतने लंबे टाइम पीरियड तक जो शेख अब्दुल्ला है उनको कैद रखा गया। इससे क्या हुआ, जनता जो है उसमें अलगाववाद और भी बढ़ता गया, और जो ये टाइम है जिस टाइम पे शेख अब्दुल्ला कैद है उस टाइम पे कांग्रेस ने पूरा इंटरफेयर रखा कश्मीर में। अब देखो 1953 से 1974 तक जो शेख अब्दुल्ला है उनको कैद रखा गया, इससे वहाँ की जनता जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से नाराज़ हुई। देखो जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम पे जनता जो है उसमें अलगाववाद की भावना ज़्यादा नहीं थी, तो जब हमने कश्मीर को मिलाया उस समय पे कश्मीर की जनता में अलगाववाद की इतनी भावना नहीं थी। पर जैसे ये सिचुएशन हुई कि शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया और उन्हें बहुत लंबे टाइम तक जो सरकार ने जेल में रखा, तो उससे क्या हुआ, वहाँ की जनता में अलगाववाद बढ़ा। देखो गलत कोई नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से सही कर रही थी, क्योंकि अगर उनको छोड़ा जाता तो वहाँ पे क्या होता, और ज़्यादा अलगाववाद बढ़ सकता था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला थोड़े इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो कोऑर्डिनेशन से काम नहीं कर रहे थे, उनकी बात वो नहीं मान रहे थे। दूसरा उस टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कश्मीर में आने जाने के लिए, ना सड़कें थी, ना एयरपोर्ट था, कुछ भी नहीं था, तो जो है कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करना चाहे तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे। तो कश्मीर बिल्कुल अलग सा था हमारे देश से, जो भी हिली एरिया था उस टाइम पे कश्मीर ही क्या, हर जगह पे जो है कनेक्टिविटी की कमी थी, पैसा नहीं था, धीरे धीरे करके हमने चीज़ों को डेवलप किया है। तो कश्मीर का बहुत सारा एरिया जो है वो हमसे कटा हुआ था, एक दो ही आने जाने के रास्ते थे वहाँ पे, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई पहुँचता था बहुत समय लगता था, तो आर्मी वगैरह को भी कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इस वजह से जो है हमेशा ही गवर्नमेंट शुरू से ही वहाँ पे अपना दबदबा रखना चाहती थी, उसे ढंग से कंट्रोल में रखना चाहती थी। अब 1974 में वो टाइम आया जब शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया। इंदिरा गांधी ने और शेख अब्दुल्ला ने एक समझौता किया जिसके बाद वहाँ पे शांति स्थापित हुई और शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़कर वापस कश्मीर भेजा गया और दोबारा से उन्हें क्या बनाया गया, मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा किया जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये बात आपको याद रखनी है कि शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि उन्होंने शुरू में ही आज़ाद होते ही 48 के बाद ही वहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी। अब उनकी सरकार दोबारा कब बनी है, 1974 के बाद। बीच में क्या हुआ, उनको सजा हो गई थी और केंद्र सरकार ने यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कंट्रोल बना लिया था कश्मीर पे। अब देखो उनके समझौते के बाद थोड़ी शांति की स्थापना हुई। अब क्या हुआ, पर 1982 में शेख अब्दुल्ला की हो गई डेथ। अब शेख अब्दुल्ला जब तक थे तो वहाँ पे शांति रही थी। उसके बाद उनके बेटे आए जिनका नाम था फारूक अब्दुल्ला। ये अभी भी हैं, अभी भी आप देखते होंगे ना जम्मू कश्मीर की राजनीति में, तो शेख अब्दुल्ला के जो बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला वो अपने पिता के नाम पे ही क्या बने, सीएम बन गए। तो शेख अब्दुल्ला के बाद फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। अब फारूक अब्दुल्ला जब सीएम बने तो उनके भी रिलेशन ख़राब हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट से। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो भी जो है केंद्र सरकार की बातें नहीं मान रहे थे, जिससे कि
फिर से वही क्लैश शुरू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट में और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फारूक अब्दुल्ला वाली, ठीक है, जो कि शेख अब्दुल्ला इनके पापा ने बनाई थी, उसके बीच में क्या हो गया, फिर से क्लैश शुरू हो गया। फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो अपनी कश्मीर वैली में मुस्लिम लोगों का सपोर्ट चाहते थे, इसीलिए वो उनके हिसाब से काम कर रहे थे, ठीक है। देश के बारे में उन्होंने कम सोचा और सिर्फ कश्मीर कश्मीर के बारे में ज़्यादा सोचा, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर से वही बातें शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े सेंट्रल गवर्नमेंट में और फारूक अब्दुल्ला में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, फारूक अब्दुल्ला को भी हटा दिया और किसी और को वहाँ पे क्या बना दिया, मुख्यमंत्री। इससे जो फारूक अब्दुल्ला के सपोर्टर थे उनमें जो है वो नाराज़गी आई और वो लोग जो है वो अब खुश नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब देखो राजनीति बड़ी ही गंदी चीज़ है, आप सभी को पता है, सबका दीन ईमान बिक जाता है जब गद्दी की बात आती है ना। ऐसा ही हुआ 1987 में, क्या हुआ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी यानी कि जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, जो लोगों में पूरा सपोर्ट बनाए हुए थी कि मैं जो है गवर्नमेंट के साथ नहीं मिलूंगा, मैं तो अपने यहाँ के जो आप कह रहे हैं उसी हिसाब से काम करूंगा, तो 1987 में क्या हुआ, विधानसभा के चुनाव हुए कश्मीर में, और जिस पार्टी के अपोजिशन में था फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस पार्टी, उसी पार्टी के साथ उसने क्या कर लिया, गठबंधन करके अपनी सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गया। तो 1987 में क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने गठबंधन कर लिया कांग्रेस सरकार से। अब गठबंधन होने के बाद लोग जो है उनको और गुस्सा आया, वहाँ के वो लोग जो चाहते थे कि कश्मीर अलग हो, उन लोगों को ये लगा कि अब देश का लोकतंत्र और कमज़ोर हो रहा है, इलेक्शन में ही ऐसी चीज़ कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला, इन्होंने गठबंधन कर लिया है तो जो इनकी विचारधारा थी वो कहाँ रह गई। तो अब्दुल्ला जो है अब केंद्र के इशारे पर काम करने लगा था, इससे लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। तो अब जो आदमी थे जो कि चाहते थे कि कश्मीर जो है उसको अलग किया जाए, वो अब आतंकवादी घटनाओं की तरफ बढ़ने लगे, क्योंकि उनका विश्वास अब राजनीति से उठ चुका था, फारूक अब्दुल्ला पे वो भरोसा नहीं करते थे, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा करते थे। तो उन्हें लग रहा था कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ढंग से नहीं चल रहा, इसीलिए 1980 का दशक ही वो दशक है जब कश्मीर में आतंकवाद की लहर आई। अब जब भी जहाँ पे भी माहौल ख़राब होता है, आप सभी को पता है, दूसरे देश वहाँ पे और माहौल ख़राब करने पहुँच जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ कश्मीर में भी, कश्मीर में चाइना ने और पाकिस्तान ने बहुत इंटरफेयर रखा, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहता कि कोई दूसरा तरक्की कर जाए। कश्मीर जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हुई और उसी प्रॉब्लम का फ़ायदा उठाया इन दोनों देशों ने। इन्होंने यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, लोगों में और भी इन भावनाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों का ब्रेन वॉश किया गया, लोगों को भड़काया गया भारत सरकार के खिलाफ, और कश्मीर वैली में बहुत सारी जो है आतंकवादी घटनाएँ शुरू हो गई। 1980 के टाइम पे ऐसा गंदा माहौल था कश्मीर में कि डायरेक्ट बस चलती थी पाकिस्तान तक, ऐसे कहते हुए कि पिंडी पिंडी राहुल पिंडी चलो, यानी कि बस जा रही है, जैसे हमारे यहाँ पे नहीं आवाज़ लगाते कि यहाँ की बस है वहाँ की बस है, ऐसे ही कश्मीर में यानी कि भारत में बस चल रही थी डायरेक्ट कहाँ तक, रावलपिंडी तक, और वहाँ से लोगों को ले जाया जाता था बसों में भर भर कर ट्रेनिंग देने के लिए, हथियार देने के लिए। तो पिंडी पिंडी रावलपिंडी की बसें चलती थी कभी कश्मीर में 1980 के दशक में। तो वहाँ पे क्या किया गया, यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दी गई, उन्हें भारत के खिलाफ भड़काया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, और वहाँ पे जो अलग कश्मीर बनाने का आंदोलन था उसको अब आतंकवाद ने घेर लिया। यहीं से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तब तक चीज़ प्यार से होती हैं, तब तक सरकार भी प्यार से रहती है, पर अगर चीज़ें आतंकवाद की तरफ बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और 1980 का जो टाइम आया, इस पूरे दशक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चली, आतंकवाद बढ़ता गया, पाकिस्तान उसे फूल हवा देता गया, उसे पैसा देता गया, सपोर्ट देता गया, हथियार देता गया, ऐसा ही चाइना ने किया, चाइना ने भी पैसे से मदद की। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप बने जो कि कश्मीर के बच्चों को जो है वो बहकाने लगे। आज भी आप ये चीज़ देखते हो कि बहुत सारे कश्मीर के लोग जो हैं आज भी इसी तरीके की बातें करते हैं, वो आज भी भारत से अलग होने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी बना दी गई है और बचपन से ही उन्हें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब बहुत सारे आतंकवादी संगठन बने यहाँ पे, जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये पीओके से मेनली कंट्रोल करते हैं आतंकवादी संगठन। इन आतंकवादी संगठनों ने क्या किया, कश्मीर में जो है वो माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया। उसके बाद कश्मीर का ही एक बहुत बड़ा संगठन है जिसका नाम है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट।
तो JKLF जो है वो जम्मू कश्मीर में एक तरीके से कभी पहले शांति के साथ अलग कश्मीर की मांग करता था, पर अब उसने जो है गलत रास्ता अपनाया और हथियार उठा लिए, ठीक है, और वहाँ पे आम लोगों की भी हत्याएं वो करने लगा। तो JKLF जो है उसने आतंकवाद का रास्ता अपना लिया अपने अलग कश्मीर की मांग को लेकर। अब टेररिज्म जो है कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये नहीं कि सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, एक पूरे बिजनेस की तरह चलता है। इसमें क्या होता है, पैसा भी पूरा इन्वॉल्व होता है, जो पूरा मैनेजमेंट है वो किया जाता है। जैसे वहाँ पे बच्चों को गुमराह किया जाता था उठा उठा कर, ठीक है, उनके मन में ये भावना भरी जाती थी कि वो बेटा तुम अपने देश के लिए लड़ रहे हो, तुम अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो। वो बच्चे वहाँ के जो हैं वो तो इतने ब्रेन वॉश्ड हैं, वो ये सोचते हैं जैसे हम अपनी आर्मी के बारे में सोचते हैं ना कि हमारे देश के जवान वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, वो भी यही बातें करते हैं कि हम जो है गुलामी नहीं सहेंगे, हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे जब वो बच्चे मरते हैं या वो आतंकवादी मरते हैं तो उनको भी शहीद कहा जाता है, ठीक है, जो आतंकवादी संगठन है वो उनको शहीद बोलते हैं। तो आतंकवाद जो है बिज़नेस की तरह मैनेज होता है, प्रॉपर सैलरी मिलती है लोगों को, ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, पत्थरबाजों को भी सैलरी पे रखते हैं। देखा होगा आपने कि सेब का जब सीज़न आता है तो वहाँ पे पत्थरबाजी कम हो जाती है। तो क्या मतलब है इस बात का कि वहाँ पे रोज़गार नहीं है, तो लोग जो हैं वहाँ के वो उस टाइम पे जब सेब का सीज़न होता है तोड़ने का सेब वगैरह, तो उन कामों में लग जाते हैं, तो थोड़े बिजी रहते हैं। तो ये चीज़ देखी गई है कि जो कश्मीर है वहाँ पे सेब के सीज़न में कम पत्थरबाजी होती है, जैसे ही सेब का सीज़न जाता है तो दोबारा से वो लोग वो जो है सैलरी पर काम करते हैं वहाँ पर। तो सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ की तो विचारधारा है वो खिलाफ़ है भारत सरकार के, कुछ जो हैं वो सैलरी पे रखे जाते हैं। तो इस तरीके से टेररिज्म जो है वो एक बिज़नेस की तरह काम करता है, वहाँ पे पूरा पैसा मिलता है पाकिस्तान से भी चाइना से भी। तो ये जो है ये वाली बातें आपको लिखनी नहीं है, ये सेब वाली जो मैंने बताई आपको, मैंने आपको समझाने के लिए बताई है सिर्फ कि ये जो टेररिज्म है ये बड़े ही प्लानिंग के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है, तभी ये सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रही और इतने अच्छे तरीके से मैनेज हो रही हैं। तो 1980 का टाइम जो है बहुत ही बुरा टाइम है कश्मीर के लिए। JKLF जैसे संगठन बन चुके हैं, कश्मीर के ही ये लोग थे, ठीक है, और इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, जिहाद के नाम पर आतंकवाद को बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब इस्लामी देश बनाने का भूत चढ़ गया इनके सिर पे ये 1980 के टाइम पे। तो इस्लामी राष्ट्र बनाने का भूत चढ़ा 1989 के आसपास, 1990s के आसपास। तो JKLF जो है उसने वहाँ पे और ज़्यादा माहौल ख़राब कर दिया, वहाँ पे हिंदुओं की हत्या की जाने लगी, कश्मीरी पंडित जो हैं उनको वहाँ पे मारा जाने लगा। तो मस्जिदों से ऐलान किया JKLF ने कि काफिरों को मारो, हमें कश्मीर चाहिए पंडित महिलाओं के साथ ना कि पुरुषों के साथ, यहाँ से निजामे मुस्तफा चलेगा। ये लाइनें बार बार मस्जिदों से कही जाती थी कि काफिरों को मारो, इन्हें भगाओ, हमें तो ऐसा कश्मीर चाहिए जहाँ पे सिर्फ कश्मीरी पंडित की महिलाएं हो, कश्मीरी पंडित ना हो, यानी कि यहाँ पे सभी पुरुषों को मार दिया जाएगा जो भी पंडित है। तो बहुत ही बुरा माहौल था उस टाइम पे, 1989 की बात कर रहा हूँ मैं। ये सड़कों पर मौत का तांडव हुआ, 300 से ज़्यादा पंडित मारे गए, ठीक है, जिनमें मेन नाम आते हैं नीलकंठ गंजू जो कि वहाँ पे एक जज थे, टीका लाल टबलू जो कि वहाँ पे एक बड़े नेता थे, ठीक है, गिरजा सरला भट्टी, ये दो महिलाएं थी, इनके साथ रेप हुआ था और बड़े ही बुरे तरीके से इन्हें आरा मशीन में काट दिया गया था। तो इतना बुरा हाल हो गया कश्मीर का 1989 के आसपास। वहाँ पे जो JKLF था उसकी आज़ादी की लड़ाई अब धार्मिक लड़ाई बन गई, ठीक है, और उसने हथियार उठाए, आतंकवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है, और वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ भी गलत हुआ। तो अब ऐसी सिचुएशन जब होगी तो आर्मी तो टेक ओवर करेगी ही, और आर्मी अगर जाएगी तो वहाँ पे फिर लोग मरेंगे भी। तो ऐसी ही सिचुएशन हुई, आर्मी ने टेक ओवर किया, आर्मी गई 1990 के आसपास, और वहाँ पे क्या लग गया, प्रेसिडेंशियल रूल लग गया। अब 1990 में राष्ट्रपति शासन लगा वहाँ पे, और आज भी हम देखते हैं तब से लेकर अब तक बहुत बार भारतीय सेना की और वहाँ के जो आतंकी संगठन है जैसे कि JKLF हुआ या हिजबुल मुजाहिदीन हुआ, लश्कर ए तैयबा हुआ, जैश ए मोहम्मद, इनके साथ हमेशा ही क्या होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मुठभेड़ सेना की चलती रहती है। अब हमें थोड़ी सी राजनीति और समझनी है। 1996 में क्या हुआ, दोबारा से जो फारूक अब्दुल्ला थे उनकी सरकार बनी, उसके बाद 2002 में अलग से एक पार्टी आई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं आई, जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, और 2002 में इसने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया।
उसके बाद 2008 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही जिसमें कि कांग्रेस का गठबंधन था। उसके बाद 2014 में वही पीडीपी पार्टी उसकी सरकार रही और बीजेपी के साथ उसने गठबंधन किया। जो पीडीपी है उसके जो हेड थे वो थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद। मुफ्ती मोहम्मद की डेथ हो गई और 2016 में उनकी बेटी जो है महबूबा मुफ्ती वो सीएम बनी कश्मीर की। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इनके पिता थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद इनके साथ तो बनी थी, तभी तो सरकारें चली, यहाँ पे माहौल ठीक हुआ थोड़ा सा, ठीक है। अब 2016 में क्या हुआ, मुफ्ती मोहम्मद की बेटी जो आई महबूबा मुफ्ती इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं बनी, ठीक है। इसीलिए 2018 में बीजेपी ने क्या किया, अपना जो सपोर्ट था महबूबा मुफ्ती से वो ले लिया और वहाँ पे दोबारा से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अब बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो इसे जड़ से ख़त्म करना चाहती है प्रॉब्लम को ही, क्योंकि जो यहाँ पे आतंकी संगठन है या जो इनकी ये मांग थी कि कश्मीर को अलग किया जाए, इस चीज़ को अब जड़ से मिटाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार कोशिश करके देख ली है। इसीलिए क्या किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, आर्टिकल 370 को ही ख़त्म कर दिया है जो कि कश्मीर को आज़ादी देता था, कश्मीर को स्पेशल राइट्स देता था। 5 अगस्त 2019 आप ये डेट याद रखना, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ और जम्मू कश्मीर को स्टेट से एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कर दिया गया। तो जम्मू कश्मीर को 370 हटाकर दो हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा कर दिया जम्मू कश्मीर, दूसरा हिस्सा कर दिया लद्दाख, और दोनों को ही क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और अब वहाँ पे डेवलपमेंट वगैरह की बातें हो रही हैं, विकास के काम जो है वो चालू हो चुके हैं। तो ये थी स्टोरी हमारे कश्मीर की। हमें ये याद रखना है कि शेख अब्दुल्ला की जो सरकार बनी थी उसके बनने के बाद जब शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला गया था तो वहाँ के लोगों में विद्रोह की भावना शुरू हो गई थी, और जब 1980 का दशक आया वो भावना और ज़्यादा बढ़ गई थी और आतंकवाद वहाँ पे बढ़ने लगा था। उसके बाद कई सारी सरकारें आई हैं, दो चार मैंने आपको मेन बताई हैं, इनको आपको याद करना चाहिए, इनको आप लिख लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि कश्मीर का पूरा जो मुद्दा है वो क्या था, कश्मीर के बारे में बताओ, बहुत बारे क्वेश्चन आया, तो यही मेन बातें आपको लिखनी है। तो अब फिलहाल में क्या है, कश्मीर में सेंटर का रूल है और वहाँ पे अब थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में है। तो कश्मीर का माहौल फिलहाल ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अब डायरेक्ट आर्मी कंट्रोल करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो ये वाली वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, वीडियो को आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हम आपको हमेशा ही ऐसे ही 12th क्लास हो चाहे 11th क्लास हो, आपको 6th से लेकर 12th क्लास तक सारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाते हैं, एनिमेटेड वीडियोस आपको दिखाते हैं, सब कुछ आपको समझाते हैं। चैप्टर कराने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, मैप वर्क कराया जाता है, पिक्चर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी कराए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराए जाते हैं, यानी कि आपको ना तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी गाइड को ख़रीदने की ज़रूरत है। आप बस हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, सीरियल वाइज सभी वीडियोस को देखें, और देखने के साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलें, तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों तक इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें।